बादलों की वजह से सनसेट नहीं दिख पाया। तो दोस्तों यहाँ का था इस तरह का, देखो ये श्री साईं बाबा मंदिर का है, उस तरफ पे मंदिर है, ये पार्क है। यहाँ पर रुका हूँ मैं कल रात से, बड़ा अच्छा लगा, अच्छी लगी है घूमने के लिए। चलो आगे आगे दिखाते हैं, समुद्र सामने ही है। एक पार्क है जिसमें एक धर्मशाला भी है और मंदिर भी है साईं बाबा का, बहुत बढ़िया जगह है। कभी भी आओ तीर्थल में साईं बाबा मंदिर जरूर घूमना, बहुत अच्छी जगह है। आ गए ऊपर चढ़ने के बाद, समुद्र की तो लहरें कल ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम हो गई हैं, ताकि बारिश ज़्यादा पड़ी उसके बाद थोड़ी कम हो गई हैं लहरें। देखो दिखाता हूँ आपको, पूरी रात बारिश पड़ी है। नहीं कल जब मैं आया था तब समुंदर बहुत ज़्यादा पीछे था, अभी आगे आ गया बारिश की वजह से। ये दुकानें अभी बंद पड़ी हैं, सारी की सारी खुलेंगी, मौसम साफ होते ही खुल जाएंगी दुकानें। बाकी मैं सोच रहा हूँ या तो अभी मैं अभी पैदल चले जाऊँ या ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट बम्बई निकल जाएँ। बम्बई में ये बढ़िया जगह है, वहाँ घूमेंगे। अभी फ़िलहाल तो थोड़ी देर समुंदर ही देखूँगा मैं। ये हसीन वादियाँ, आहा क्या मज़ा आ रहा है सुबह सुबह की मॉर्निंग में। ठंडी ठंडी हवा लग रही है, सामने समुंदर, क्या व्यू है। आप भी आओ, आप भी देखो, ये तो आपको दिखा ही रहा हूँ, बहुत घर बैठे देख लो और क्या। अगर ये अभी बादल नहीं होते तो आपको सूरज का सनलाइट देखने में मज़ा आता है, सनसेट देखने में तो मज़ा आता ही आता है यहाँ से, लेकिन सन जब यहाँ से पड़ता है ना जब अलग ही व्यू आता है थोड़ा। जितनी दूर तक देखो कुछ दिख ही नहीं रहा पानी के अलावा, समुंदर ही समुंदर। चलो दोस्तों चलते हैं, हाँ श्री साईं बाबा ये धर्मशाला है, बाकी हम यहाँ चलते हैं। इस तरह से है कुछ, चलो आगे मिलेंगे, अब बता दो हम कहाँ जा रहे हैं। इस तरह की है धर्मशाला, वहाँ से एंट्री गेट है, इस साइड से जाते हैं। चलो चलते हैं अब, समुंदर की हवा में ठंडी ठंडी हवा खाते खाते चलेंगे। यहाँ चलते हैं वलसाड स्टेशन, स्टेशन जाएंगे हम। वो सस्पेंस है कहाँ जाऊँगा बताता हूँ, बहुत बढ़िया जगह एकदम घूमने के लिए, आप कभी आओ तो आप भी जाना। तो दोस्तों जो पानी ऊपर आ गया था कल, आज वो वापस जा चुका है। देखो कल ये पानी यहाँ तक था, इन पत्थरों तक, अब ये समुंदर वापस वहीं वापस जा चुका है जहाँ पर कल था, जब मैं आया था। यहाँ पे ऐसे ही चलता है जब बात समुद्र के अंदर मौसम ख़राब होता है, जब भी पानी ऊपर आता है तो वापस दूर चला जाता है, मतलब वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मतलब टाइम लग जाएगा तुम्हें। समुद्र का भी पता नहीं किस टाइम पानी ऊपर आ जाए। कहते हुए चल दिए हम अपनी अगली ट्रिप के पास, बताएंगे अगली ट्रिप कहाँ पे है, बहुत बढ़िया जगह है वो भी घूमने के लिए। अब देख लो एक बार तीर्थल का, ये बारिश होने के बाद ये भी शांत हो गया पूरा एकदम, बीच कुछ आ गए हैं टूरिस्ट वहाँ पे घूमने के लिए। बाकी समुंदर वापस एकदम एंड में पहुँच चुका है, मतलब दिख नहीं रहा यहाँ से। कल शाम तक तो यहीं पर तक था पानी जमा है। चलो अब चल दिए हैं, अब बढ़िया मज़ा आ रहा है एकदम घूमते हुए। बाकी आज हवा नहीं चल रही कल की जितनी, कल कितनी हवा चल रही थी,
आज एकदम मौसम शांत हो गया है, हालांकि बादल हैं ऊपर, देखो ये बादल दिख रहे हैं ना अभी, हालांकि बादल हैं अभी, फिर भी अभी बारिश जस्ट अभी शांत हुई है, इसलिए मैं वो वाला साईं बाबा वाला मंदिर का धर्मशाला छोड़ दिया मैंने, इसलिए मैं सोचा अब सही टाइम है छोड़ के आगे बढ़ने का। अब चल दिया हम स्टेशन के पास, हमारी ट्रेन का आने का टाइम होने वाला है कुछ ही देर बाद, 2-3 घंटे बाद की ट्रेन है, और वो बताऊंगा कहाँ की ट्रेन है, क्योंकि अभी बता दूंगा सस्पेंस खत्म जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सस्पेंस तो होना बहुत ज़रूरी है ना। सस्पेंस में बताएंगे आपको बहुत बढ़िया जगह घूमने की, आपको उस जगह के बारे में बताऊंगा और वहाँ पर घुमाऊँगा भी, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो कहाँ चल रहा हूँ मैं, नीचे पानी भरा हुआ है इसलिए ऊपर चलना पड़ रहा है, बाकी चलो मिलेंगे अब आगे। तो वापस आ गए हैं भाई, यहाँ से हम कल गए थे और आज वापस आ गए हैं, एक दिन पूरा काट के तीर्थल में। चलो 6:50 की ट्रेन है हमारी, जो पार्किंग एरिया है। चलो अब ट्रेन में मिलते हैं, ये बारिश तो पीछे नहीं छोड़ेगी। कल रात से बारिश हो रही है इसलिए कहीं ज़्यादा घूम भी नहीं पाया, ये स्टेशन है वलसाड़ का। पता नहीं कब छोड़ेगा फिर कभी ये स्टेशन पे, बारिश लग रहा है पीछा नहीं छोड़ेगी। चलो पूरी ट्रेन खाली पड़ी है, आराम से लेट तो जा रहा था, आराम से सो रहा था यहीं पड़ी आराम से, अब रात आओ यहाँ पूरे पानी वानी भीग गया, पूरा बैग भीग गया मेरा, आराम से नींद आ रही थी सो रहा था, इस बारिश ने उठा दिया। बताओ यार इस बारिश ने दुखी कर दिया आज तो मुझे।